हेलो स्टूडेंट, आज हम हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स में जो हमने पढ़ाया था कल, तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। कल हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे उसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसी पर बेस्ड आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम देखते हैं कल हमने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े थे। सबसे पहले हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो था डेंसिटी का। डेंसिटी का फॉर्मूला था पहला। डेंसिटी को क्या कहते हैं हम? मास डेंसिटी भी कहते हैं। मास डेंसिटी, घनत्व। क्या होता है घनत्व? घनत्व को हम रो से डिनोट करते हैं, ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, एम अपॉन बी के अनुपात को हम क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं, घनत्व कहते हैं। अगर हम बात करें किसी भी वस्तु का घनत्व कब अधिक होगा, जब उसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मान लो किसी भी वस्तु का क्या होगा, वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम है तो उसका घनत्व क्या होगा? अधिक। और वॉल्यूम अधिक है तो घनत्व क्या होगा? कम। तो आपको याद रखना है जो डेंसिटी होती है वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल दें, जैसे रुई है, रुई आपने कितनी ली? 1 किलोग्राम। और आपने लोहा, किसी लोहे की कोई वस्तु ले ली, लोहा की कोई वस्तु ले ली 1 किलोग्राम। मास दोनों में क्या है? आपने सेम रखा है, लेकिन आपने देखो रुई क्या होती है, ज्यादा वॉल्यूम घेरेगी तो वॉल्यूम ज्यादा घेरेगी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वॉल्यूम ज्यादा घेरेगी तो डेंसिटी क्या होगी? वॉल्यूम ज्यादा तो डेंसिटी कम, तो डेंसिटी कम होगी। और लोहे की बात करें, लोहा क्या होता है? कम वॉल्यूम घेरेगा, कम स्थान घेरता है, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी? अधिक। तो आपको याद रखना है वॉल्यूम और डेंसिटी क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो रुई की डेंसिटी क्या होगी? कम। और लोहे की डेंसिटी क्या होगी? अधिक। तो आपको पता है रुई को अगर हम पानी में डालें तो ये नहीं डूबती, क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है पानी के कंपेरिजन में। और लोहे का क्या होता है? लोहे की डेंसिटी अधिक होती है पानी के कंपेरिजन में, इसलिए लोहा क्या होता है? पानी में डूब जाता है। ठीक है, एक ये फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला था हमारा वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी या फिर हम क्या कहते हैं, वेट डेंसिटी को कहते हैं स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी, ये क्या हो गया? ये हो गया भार घनत्व। किससे डिनोट करते थे इसे? इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन बी ले सकते हैं। जो हमारा भार घनत्व होता है स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। भार घनत्व क्या होता है? भार अपॉन आयतन, भार घनत्व होता है। ठीक है, भार हमारा डब्ल्यू, आयतन बी। ठीक है, इससे हम और क्या लिखा था हमने? हमें पता है डब्ल्यू इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? भार को लिख सकते हैं मास इंटू ग्रेविटी। तो हमारा डब्ल्यू के स्थान पर एम इंटू जी। और नीचे क्या है? वॉल्यूम। तो एम अपॉन बी क्या होता है? एम अपॉन बी हमने पढ़ा है रो इसमें होता है, तो डब्ल्यू इक्वल टू हम इसे रो इंटू जी भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे दोनों फॉर्मूले जब हमें न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी यूज कर सकते हैं, या फिर ये फॉर्मूला या फिर ये वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू का रिलेशन चाहिए। ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जो डेंसिटी और स्मॉल डब्ल्यू का रिलेशन चाहिए। और थर्ड फॉर्मूला हमारा कौन सा था? थर्ड फॉर्मूला था हमारा आपेक्षिक गुरुत्व या फिर आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व या आपेक्षिक गुरुत्व, इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, स्पेसिफिक डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये क्या होगा हमारा? ये हमने बताया था इसका कोई भी मात्रक नहीं होता, आपेक्षिक घनत्व कोई मात्रक नहीं होता है। इसे हम डिनोट कैसे करते हैं? स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। आपेक्षिक घनत्व को स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? उस वस्तु का जिसका आपको घनत्व निकालना है, उस तरल का घनत्व, उस तरल का घनत्व अपॉन किसका घनत्व होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध पानी का घनत्व होता है। शुद्ध पानी का घनत्व, और पानी घनत्व याद होगा 1000 होता है। ठीक है, सही है। तरल का घनत्व अपॉन 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आपेक्षिक घनत्व कहते हैं।
ठीक है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा, क्योंकि घनत्व अपॉन घनत्व तो क्या आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, मात्रक कोई भी नहीं होगा, इसका मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो इन सब में जो मात्रक नहीं होता जिसका, वो है अपेक्षिक घनत्व, याद रखना है आपको। और अपेक्षिक घनत्व जो होता है वाटर के लिए 1 होता है और पारे के लिए कितना होता है 13.6। अगर हम यहाँ पे बात करें, इसे क्या ले सकते हैं, अपेक्षिक घनत्व को एस और तरल के घनत्व को, मान लो तरल कौन सा है, मान लो ऑयल है, तो ऑयल का घनत्व अपॉन कंपेरिजन करेंगे इससे वाटर से, और वाटर घनत्व कितना होता है 1000। तो ऑयल का घनत्व का किसी वस्तु का आपको घनत्व निकालना है और अपेक्षिक घनत्व दिया, तो क्या हो जाएगा, ऑयल का घनत्व इज इक्वल टू अपेक्षिक घनत्व इंटू वाटर का घनत्व। मतलब किसी भी वस्तु का आपको घनत्व निकालना है और उसका अपेक्षिक घनत्व आपको पता है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब अगर मान लो पारे का घनत्व कितना है, मान लिया हमने पारे का घनत्व हमें दिया है, पारे का घनत्व 13.6, ठीक है 13.6, और वाटर का घनत्व हमें पता है वाटर का घनत्व कितना होता है 1000। अपेक्षिक घनत्व हो गया वो मरकरी का 13.6। अगर मरकरी का आपको मान निकालना है, मरकरी का पारे का मान निकालना है डेंसिटी, तो पारे का स्पेसिफिक वेट इज टू डेंसिटी ऑफ वाटर, ये क्या हो गया 3600, 13600 आपका माना जाएगा डेंसिटी ऑफ मरकरी। तो मरकरी अगर किसी का घनत्व निकालना है, तो अपेक्षिक घनत्व को हम क्या करते हैं, उसी वस्तु के अपेक्षिक घनत्व को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल करेंगे, जो न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछे आते हैं वो न्यूमेरिकल करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले हम न्यूमेरिकल करते हैं, ये न्यूमेरिकल आया हुआ है 2-3 बार, तो इस न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। सबसे पहले जैसा कि आपको ये न्यूमेरिकल दिख रहा होगा, इस न्यूमेरिकल में गिवन डाटा लिखेंगे हम पहले, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक बेलनाकार बर्तन में, 16 सेंटीमीटर ऊंचाई तक क्या भरा हुआ है, पारा भरा है। बेलनाकार बर्तन, ठीक है, इस तरह का होगा, ऊंचाई कितनी है 16 सेंटीमीटर ऊंचाई है। बेलनाकार बर्तन में ऊपर तक, मतलब 16 सेंटीमीटर ऊंचाई तक क्या भरा हुआ है, पारा भरा है। पारे का भार ज्ञात करना है, मतलब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे भार निकालना है किसका, पारे का। यदि बेलन का व्यास कितना है, बेलन का व्यास दिया है आपको कितना 7 सेंटीमीटर, और पारे का अपेक्षित घनत्व दिया है, पारे का अपेक्षित घनत्व क्या होता है, अपेक्षित घनत्व एस होगा, पारे का कितना होता है 13.6, वैसे ही आपको याद था। ऊंचाई कितनी है जिसमें बेलनाकार बर्तन में 16 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पारा भरा है। देखो जब भी कोई बेलनाकार बर्तन की बात हो तो इसका आयतन हम निकालना पड़ेगा हमें, आयतन कितना होता है बेलनाकार बर्तन का, देखो ये वाला इसका पर, ये कितना होगा, ये होगा इसका पाई बाई 4 डी स्क्वायर, इसका एरिया होगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर, और आयतन में कन्वर्ट करना है तो कितनी ऊंचाई तक है, ये कितनी लंबाई तक है, ये एल लंबाई तक है, या फिर अगर तो एच, एल लंबाई मान लेते हैं, एल लंबाई तक भरा हुआ है तो गुणा एल कर देते हैं, तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एल क्या होता है। किसी भी सिलेंड्रिकल बर्तन के लिए आपको आयतन निकालना है तो फॉर्मूला होता है पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एल, पाई बाई 4 डी स्क्वायर क्या होगा, इसका एरिया होगा, और कितनी लंबाई तक भरा हुआ है एल, तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एल क्या होता है, इसका आयतन का फॉर्मूला होता है। तो आयतन निकालेंगे, सबसे पहले आयतन निकालना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, तो आयतन निकालेंगे तो पाई बाई 4, डी का मान कितना दिया है 7, सभी सेंटीमीटर में दिए तो सेंटीमीटर मान निकाल लेंगे। ठीक है, याद रखना मात्रक जिसमें दिए होंगे उसी में आपको मान निकालना है, या फिर उन्हें कन्वर्ट कर लो, वो आपकी इच्छा है। सबसे पहले हम सेंटीमीटर में दिए हैं सारे मात्रक, सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं, बाकी देखेंगे कन्वर्ट करने के बाद में। ठीक है, तो डी कितना है 7, 7 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू एल कितना है 16। इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने पर ही आएगा 616 सेंटीमीटर क्यूबिक। अब सेंटीमीटर क्यूबिक क्या रहा है, मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 616 आपको पता ही है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है 10^-2 मीटर, तो ये आपका क्या हो जाएगा 10^-6 मीटर क्यूब हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब के स्थान पे। ठीक है, तो यहाँ तक आपने आयतन निकाल लिया इसका, अभी आयतन ही आया है, लेकिन हमें निकालना है क्या है, इसका भार निकालना है, डब्लू का मान निकालना है। तो आप ऐसा कोई फॉर्मूला है जहाँ पे आप इच्छित घनत्व को यूज करके मान निकाल सकें, तो हमें एक फॉर्मूला याद आता है जहाँ पर हम बात करें अपेक्षित घनत्व का यूज भी कर सकते हैं। अपेक्षित घनत्व के लिए अगर बात करें, फॉर्मूला हमारा कौन सा होता है, थर्ड फॉर्मूला हमारा जो लास्ट वाला था, अपेक्षित घनत्व का फॉर्मूला हमारा लिख लेते हैं एक बार, अपेक्षित घनत्व एस इक्वल टू क्या था, डेंसिटी ऑफ, जिसका भी डेंसिटी निकालना है, डेंसिटी हमें यहाँ पे किसका है,
पारे की अगर हम बात करें, पारा ठीक अपॉन डेंसिटी ऑफ, किसका डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है ठीक है। अगर क्योंकि यहाँ पे आपेक्ष घनत्व किसका दिया हुआ है, ये पारे का आपेक्ष घनत्व दिया है, तो आपेक्ष घनत्व का फॉर्मूला हम पारे के फॉर्म में लिखेंगे। तो पारे का आपेक्ष घनत्व बराबर पारे का घनत्व अपॉन वाटर का घनत्व। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ पारा निकाल सकते हैं, क्योंकि वाटर का तो हमें पता है कितना होता है, वाटर का होता है डेंसिटी 1000 होता है डेंसिटी। तो यहाँ पे देखते हैं पारे का घनत्व कितना दिया, आपेक्ष घनत्व 13.6 इक्वल टू पारे का घनत्व निकालना है हमें अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है 1000। तो पारे का कितना आ जाएगा मान, तो पारे का घनत्व आ जाएगा 13.6 इंटू 1000, बाद में सॉल्व करेंगे ऐसे, इतने रहने देते हैं 13.6 इंटू 1000। इसमें याद रखना जो 1000 आ रहा है ये आपका सभी मात्रक इसमें मीटर में है, तो सब मात्रक मीटर में बाद में कन्वर्ट करके ही आप पुट करेंगे, तो जो 1000 होता है ये मीटर में होता है ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपने क्या करा, आपेक्षिक घनत्व दिया था, तो आपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूले का यूज करा और पारे का घनत्व निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक ठीक है। पारे का घनत्व आपके पास निकला है, अब देखो अब ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखिए कौन से फॉर्मूले में डब्ल्यू का मान आता है, तो डब्ल्यू का मान आता है सेकंड फॉर्मूले में ठीक है। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको कौन कौन से मान दिए, जब भी आपेक्षिक घनत्व दिया होगा तो आपेक्षिक घनत्व दिया है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना ही करना है आपेक्षिक घनत्व का। और जब भार पूछ रहा है तो आपको भार पहले फॉर्मूले में तो आता नहीं है, सेकंड फॉर्मूले में आता है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो सेकंड फॉर्मूले का जब हम यूज करेंगे तो हमें पता है सेकंड फॉर्मूले का मान क्या होता है, उसका हम फॉर्मूला होता है स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन बी होता है। और यहां से हमें क्या निकालना है, कैपिटल डब्ल्यू निकालना है, इक्वल टू हम लिख सकते हैं स्मॉल डब्ल्यू इंटू बी ले सकते हैं, और स्मॉल डब्ल्यू हमें पता है क्या लिख सकते हैं, रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम हो गया, और रो का मान हमने निकाला है पारे के लिए, पारे का मान निकाला है, और जी का मान कितना होता है 9.81, और बी का मान निकाल चुके हम, बी का मान कितना आ रहा है हमारा, बी का मान यहाँ पर आ रहा है 616 इंटू 10 to power -6 ठीक है। और पारे का मान कितना आ रहा है 13.6 इंटू 1000, तो पारे का जो मान आ रहा है वो ले देते हैं 13.6 इंटू 1000, जी का मान 9.81 इंटू 616 इंटू 10 to power -6। तो आप देख लीजिए इन सब की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, कैपिटल डब्ल्यू का मान आ जाएगा, और कैपिटल डब्ल्यू का मान आ रहा है सॉल्व करने पर 82.184 न्यूटन में आएगा ठीक है, क्यों बाहर का मात्रक होता है न्यूटन 82.184। तो आपका आंसर ही आ गया। तो एक बार हम देख लेते हैं दोबारा, सबसे पहले हमने क्या करा, इसका आयतन निकाला, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर के लिए, 5/4 d² / l सबके मान पुट करें, आयतन का मान आ गया। आयतन का मान आने के बाद आपने क्या करा, आपेक्षिक घनत्व दिया, तो आपेक्षिक घनत्व के फॉर्मूले का यूज करा, आपेक्षिक घनत्व इक्वल टू पारे का घनत्व, क्योंकि पारे का आपेक्षिक घनत्व है इसलिए पारे का घनत्व अपन डेंसिटी ऑफ वाटर, यहाँ तो वाटर होना ही होना है ठीक है, यहाँ पर उसका घनत्व होगा जिसका आपेक्षिक घनत्व दिया होगा। तो आप हम पारे का घनत्व यहाँ से हमने निकाला था, पारे का घनत्व कितना हो गया, आपेक्षिक घनत्व दिया था 13.6, पारे का घनत्व होता हमारा वो वाटर घनत्व होता 1000, तो पारे का घनत्व आ गया। अब आपने देखा भार निकालना, तो भार निकालने के लिए सेकंड फॉर्मूला यूज करा, स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन वी, यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू का मान निकालना है तो स्मॉल डब्ल्यू इंटू बी आ गया। स्मॉल डब्ल्यू का मान हमें पता है, स्मॉल डब्ल्यू का मान तो दिया नहीं है, लेकिन स्मॉल डब्ल्यू का मान हम ये लिख सकते हैं रो इंटू जी, तो इंटू वी, रो का मान पारा हो गया, ये पारे का घनत्व 13.6 और हम इंटू 1000 था, जी का मान 9.81 और बी का मान 6.16 था, 616 × 10⁻⁶ ही है ठीक है, 616 × 10⁻⁶। तो कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर आ जाएगा 82.184 न्यूटन आ जाएगा, सही है, ये आपका एकदम सही आंसर है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है, इस क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को भी हम उन्हीं फॉर्मूले से करना है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है, सबसे पहले गिवन डाटा देख लेते हैं, गिवन क्या क्या है, 0.9 आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व वाले तेल, मतलब तेल का आपेक्षिक घनत्व दिया है, आपेक्षिक घनत्व ऐसे डिनोट करते हैं किसका है, ऑयल का, कितना 0.9। अगर हम बात करें ऑयल के लिए डेंसिटी कितना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो जैसे हमने उसमें निकाला था। तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, किसी भी वस्तु का द्रव का घनत्व निकालना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो आपेक्षिक घनत्व को, ठीक है, ये आ गया आपका घनत्व आ गया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, तेल के 20 लीटर की सही, मतलब 20 लीटर, 20 लीटर लीटर क्या होता है, आयतन होता है,
तो लीटर में होता आयतन 20 लीटर की संहति ज्ञात कीजिए। मतलब क्या कह रहा है, 0.9 अपेक्ष घनत्व वाले तेल के लिए 20 लीटर की संहति ज्ञात कीजिए। संहति मतलब होता है द्रव्यमान, मास निकालना है आपको। तो यहाँ पे क्या निकालना है, द्रव्यमान की बात हो रही है, मास निकालना है आपको। मतलब कितने किलोग्राम तेल के लिए 20 लीटर के लिए हम कह रहे हैं कितना द्रव्यमान होगा, ठीक है, जो 20 लीटर आयतन घेर रहा है और जिसका अपेक्ष घनत्व 0.9 है, तो उसका मास बताना है आपको, द्रव्यमान कितना होगा। और पानी का घनत्व तो यहाँ पे 1000 दिया है, वो आपको पता भी होता है पहले से। वाटर का कितना है, वाटर का आपको पता होता है 1000, हमने यूज़ भी कराया है इसमें, यहाँ पर 1000 यूज़ करा है मल्टीप्लाई करके, तो आपको पता ही होता है। पारे वाटर का कितना होता है, 1000 मीटर किलोग्राम प्रति मीटर की होता है। और सॉल्व करते हैं, निकालना क्या आप देखो, यहाँ पे मास निकालना है, तो मास निकालना है सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो फॉर्मूला दिया है उसका तो यूज़ कर लिया हमने। देखो हमें एस अपेक्ष घनत्व दिया था, किसका, ऑयल का। अपेक्ष घनत्व ऑफ ऑयल का क्या होता है हमें पता है, डेंसिटी ऑफ ऑयल होगा अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ जो वाटर था वो आपने यहाँ पुट करा, और अपेक्ष घनत्व जो दिया था ऑयल का वो आपने 0.9 यहाँ पुट करा, दोनों की मल्टीप्लाई करी। मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, ऑयल का घनत्व आ जाएगा, वो आ गया ऑयल का घनत्व 0.9 × 1000, कितना आ गया, 900 आ गया। 900 कितना आता है इसका मात्रक, इसका मात्रक होता है डेंसिटी का किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब आ गया 900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। आपको निकालना क्या है, मास। तो आपको पता है डेंसिटी और मास में रिलेशन पता है, पहले ही फॉर्मूला है, रो इक्वल टू एम अपॉन बी। यहाँ से अगर आपको मास निकालना है तो मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रो इंटू बी का गुणनफल आ जाएगा, तो मास इक्वल टू रो इंटू बी आ जाएगा। और रो का मान पता है, वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम देखो यहाँ पे किस में दिया था, लीटर में, उसमें उसे आप कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर क्यूब में, तभी आप गुणा करेंगे, क्योंकि ये मान किसमें निकाला आपने, मीटर क्यूब में। तो 20 लीटर को सॉल्व करें, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1 लीटर बराबर आपको पता होना चाहिए, 1 लीटर बराबर होता है आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है, याद रखना है, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको निकालना है बी का मान 20 लीटर के लिए, तो 20 लीटर के लिए कितना हो जाएगा, 20 × 1 लीटर के लिए कितना होता है 1000, 20 लीटर के लिए होगा 20 × 1000 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन हमें निकालना है मीटर में, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो 20 × 1000 सेंटीमीटर में को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है, 10 to power -2 मीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10 to power -6 आ जाएगा, 10 to power -6 मीटर क्यूब, 20 × 1000, 10 to power 6 नीचे लिख देते हैं, 10 to power power कितनी आ गई, 6 आ गई, नीचे लेगा इसे हम 2, 3 और 1 4, 4 पावर है, कट जाएगी 4 पावर, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 10 की पावर 2, मतलब 100 बचेगा। सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा 50, सिंपल कर लेना इसे, 1/50 आ रहा है, ये किस में आएगा, मीटर क्यूब में, तो मीटर क्यूब में आ गया 1/50 मीटर क्यूबिक, ठीक है। सॉल्व करा 20 × 1000 किसके लिए, 20 लीटर के लिए, फिर आपने देखा 1 सेंटीमीटर करो 10 to power -2 मीटर होता है, और सेंटीमीटर क्यूबिक है तो 10 to power -6 आ जाएगा, इसमें नीचे लेगा हम 10 to power 6 कैंसिल आउट करिए, 1/50 आएगा, 1/50 मीटर क्यूबिक आएगा इसका आयतन, आयतन आ गया 1/50। अब देखते हैं डेंसिटी, यहाँ पर हमारा मास कितना आ जाएगा, रो का मान कितना है, रो का मान है निकाला था ये 900 है, रो का मान है, डेंसिटी का मान है 900, और आयतन कितना आ रहा है 1/50। सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लेना ये आ जाएगा 18 किलोग्राम, ठीक है, आपका आंसर आ रहा है 18 किलोग्राम, ठीक है, 18 किलोग्राम आंसर आएगा।